नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ बाय अवनी सर में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। ये 12 अनुसूचियां जो है हम ट्रिक से पढ़ेंगे, और ट्रिक भी ऐसी है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के ही आप ऑप्शंस को टिक कर दोगे सही सही बिल्कुल। और एक बार आपने इसको ढंग से समझ लिया तो ज़िंदगी भर आप ना तो कन्फ्यूज़ होगे और ना कभी भूलोगे इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया 7वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा वन बाय वन करके। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके बाद उनकी ट्रिक्स पर पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, दल बदल का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। आंसर मैं आपको इसको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रिक लगानी है, लेकिन पहले एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णित है। तो ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे, दूसरी, पांचवी, आठवीं और बारहवीं। आपको याद कैसे रहेगा कि कौन सी अनुसूची में क्या है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है। तो ये मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कैसे कंफ्यूज हो सकता है इंसान अगर वो ट्रिक से इन चीजों को याद ना करे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है। तो अच्छे अच्छे कमेंट भी लिख सकते हैं और बुरे बुरे कमेंट भी लिखिए अगर आपको बुरी लगी तो। ठीक, तो फ्रेंड्स ट्रिक नंबर हम पहली जो देखेंगे, टोटल 12 ट्रिक्स हैं लेकिन मैं 11 और 12 को एक साथ कवर करूंगा, पीछे से हम आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये मज़ेदार ढंग रहेगा आपको याद रखने के लिए दिमाग में। तो देखिए, 11वीं अनुसूची में क्या दे रखा है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। ठीक है, और पंचायती राज से मतलब गाँव से। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची को हमें याद कैसे रखना है, जैसे 11वीं, ठीक है, हमने लिख दिया 11वीं। ठीक है, अब 11वीं को हम अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखें, 11वीं, ठीक है, 11वीं यानी गाँव की। ठीक है, तो गै वी यानी गाँव, 11वीं गाँव से, 11वीं आप करोगे गाँव से और 12वीं आप करोगे बाहर से, 12वीं से बाहर। ठीक है, तो 11वीं यानी गाँव से, गाँव से, इसका गाँव का मतलब ग्राम पंचायत चुनाव। ठीक है, दूसरा एक दिमाग में आपको ये भी आ सकता है कि अगर नंबर के रूप में अगर आप देखो तो 11वीं को हम ऐसे एक और एक ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इस एक को उल्टा कर दूं तो मतलब कि दो प्रत्याशी आमने सामने खड़े होते हैं ग्राम पंचायत चुनाव में और आपस में उनमें, ठीक है, चुनाव होता है, बहुत कठिन चुनाव होता है और बड़ी जद्दोजहद रहती है ग्राम पंचायत के चुनाव में। ठीक है, तो जनरली तो वैसे लड़ने को तो 3 या 4 लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि चुनाव तब होगा जब कम से कम दो प्रत्याशी खड़े होंगे। ठीक है, तो दो का मतलब हो गया एक और एक, दो यानी, और या फिर एक और एक, ये कैंडिडेट खड़ा है और ये कैंडिडेट खड़ा आमने सामने, तो हम इन दोनों कैंडिडेट को एक जैसा मानेंगे और इनको एक जैसे दो डंडे अगर खींचे हुए तो क्या होता है, वो 11 है। तो ठीक है, आपको जैसे दिमाग में रखने में आसानी हो वैसे आप दिमाग में रखिए, 11वीं गाँव से यानी ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये ट्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं, 12वां देखते हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची में, ठीक है, तो 12वीं से हम 12 को हम 12 लिखेंगे, 12वीं कहां से, बाहर से, 12 को है पहले लिख देंगे और रह बाद में, तो बाहर आ जाएगा 12वीं, बाहर से, बाहर यानी शहर से, कहते हैं बाहर गांव गया है, बाहर गया है, बाहर पढ़ने गया है यानी कहां, शहर में पढ़ने गया, तो 12वीं बाहर से यानी शहर से। तो शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये 11 और 12 आपको ऐसे 11वीं गाँव से और 12वीं बाहर से, ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। अब देखते हैं बाकी। तो फ्रेंड्स, अब है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, देखिए 10वीं अनुसूची में दे रखा है दल बदल का प्रावधान। ठीक है, तो दल बदल जो कानून होता है, दल बदल किस तरीके से किया जा सकता है, उसका क्या प्रावधान है, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, तो उसके बारे में वर्णित है 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 10वीं को अब हम कैसे रिलेट करेंगे दल से। ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं 10 और 10, अगर लय लिख दें यहाँ तो 10 और दल एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, 10 और से को हटाएंगे, लय लगाएंगे, 10 और दल। ठीक है, दल यानी 10 और 10 यानी दल। ठीक है, दल बदल का प्रावधान इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 10वीं अनुसूची में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है 9वीं अनुसूची की। संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या चीज़ वर्णित है, क्या चीज़ दिया गया है। तो संविधान की 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां दे रखी हैं, यानी एक राज्य यानी राज्य सरकार किस प्रकार, ठीक है, पब्लिक की संपत्ति को अधिग्रहित किन किन कारणों से कर सकती है, किन परिस्थितियों में कर सकती है। ठीक है, और इसके बारे में दिया दे रखा है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर आप राज्य सरकार के कोई सड़क निर्माण या हाईवे का निर्माण कर रही है और उसके बीच में आपका खेत आ जाता है, तो
उसमें ये प्रावधान है कि भाई सरकारी कार्य के लिए यानी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आपकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है और इसके खिलाफ आप अपील भी नहीं कर सकते हो। नौवीं अनुसूची में ये कुछ वर्णित है, ये कुछ विधियां दे रखी हैं कि किन किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, सभी परिस्थितियों में नहीं हो सकता लेकिन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है वो नौवीं अनुसूची में दिया गया है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां। तो नौवीं अनुसूची देखिए, हमने बताया कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण जनरली अगर आपको याद आ जाए तो संपत्ति का दो कारण हो सकता है, एक तो या तो नहरें निकले ठीक है, और जनरली तो सड़कें चौड़ी होती हैं या सड़कें हाईवे बनते हैं तो उनके लिए खेतों का या जमीन का अधिग्रहण होता है। तो हम रास्तों को ही दिमाग में रखेंगे यानी हाईवेज को ही दिमाग में रखेंगे, वे यानी रास्ता ठीक है। तो नौवीं को आप कैसे याद रखोगे, नौवीं को नौवे भी तो कह सकते हैं ठीक है, नौवीं यानी नौवे, नौवे स्थापना दिवस नौवीं ठीक है। तो नौ तो नौ है और वी और वे को हम कोरिलेट कर सकते हैं, नौवीं यानी नौवे, नौवे अनुसूची में नौवे, और वे को हम इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो डब्ल्यू ए वे, और वे यानी रास्ता ठीक है, नौवे ठीक है। तो जब किसान कहते हैं भाई नौवे हम रास्ता नहीं देंगे तो सरकार या राज्य क्या कर सकता है, उनकी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। तो नौवे ठीक है, नाइन आ गया और नाइन से नौवीं अनुसूची ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रखोगे, ऑप्शन जैसे ही दिखाई देंगे आपको ठीक है आप कोरिलेट कर पाओगे। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी डील करने वाले हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाए थे, तो इन ट्रिक्स के माध्यम से उन क्वेश्चन के आंसर हम कितनी जल्दी ढूंढते हैं देखिए आप ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम आठवीं अनुसूची की, संविधान की आठवीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो आठवीं अनुसूची में वर्णित है फ्रेंड्स 22 भाषाओं का उल्लेख ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख। और भाषा का मतलब क्या है, किसी भी भाषा को हम क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलना, और बोलते किससे हैं, होठों से, होठों से तो आवाज़ हेल्प मिलेगी ठीक है। तो होठों से हम बोलते हैं और ओठ को, हाँ होठ को हम कहते हैं ओठ ठीक है, मतलब जो शुद्ध शब्द है वो ओठ ही है, होठ से ओठ और ओठ से आठ, आठ की साउंड लगी, यानी आठवीं अनुसूची को हम देखें तो आठ यानी ओठ, ओठ यानी होठ, और होठों से क्या करते हैं हम बोलते हैं, अब बोलना यानी क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो आठवीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, ये ऑप्शन में जहां दिखेगा हम टिक कर देंगे ठीक है, 22 भाषाओं का जिक्र है ठीक है। और आप उल्टा भी समझ सकते हो कि 22 भाषाओं का यानी भाषा यानी हम बोलते हैं होठों से, होठों यानी आठ ठीक है। तो आठवीं अनुसूची इस तरीके से आप याद कर सकते हो फ्रेंड्स, है ना मजेदार ट्रिक, अगर ट्रिक मजेदार है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अब बात आती है फ्रेंड्स सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची में क्या दे रखा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये वर्णित है सातवीं अनुसूची में ठीक है। सातवीं अनुसूची में अब सातवीं को हम कैसे याद रखेंगे ठीक है, तो अब देखिए बंटवारा ठीक है, और बंटवारा हम कैसे करेंगे, सातवीं को हम दो तरीके से याद रखते हैं देखिए, सातवीं यानी शांत, सातवीं को हम इतने शांत और शांत यानी शांति, और बंटवारा कब हो सकता है, बंटवारा कभी तभी हो सकता है जब शांति से किया जाए ठीक है, अगर अशांति से बंटवारा किया जाएगा तो कभी नहीं होगा और विवाद चलता चला जाएगा ठीक है। तो हम ऐसे भी याद रखते हैं, और सबसे आसान ट्रिक और देखते हैं इसको, सात को हम यानी सेवन को हम क्या लिख सकते हैं, सेवन को इंग्लिश में हम लिखेंगे SEVEN सेवन ठीक है। तो सेवन का स्टार्ट हो रहा है S से और N से लास्ट हो रहा है ठीक है, तो S से होगा स्टेट और N से होगा नेशन, स्टेट यानी राज्य ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर और इसकी फिगर शायद नहीं दे रखी है, स्टेट यानी राज्य और N फॉर नेशन ठीक है, और नेशन यानी केंद्र ठीक है। तो यानी राज्य और केंद्र के बीच में जो बंटवारा हो रहा है ठीक है, यानी ये हो गया बंटवारा ठीक है, और बंटवारा कैसे हुआ, S सेवन ठीक है, स्टेट और N फॉर नेशन यानी राज्य और केंद्र के बीच में ये हो गया बंटवारा ठीक है। तो सेवन से आप याद रखोगे इधर स्टेट है इधर नेशन है, यानी राज्य और केंद्र के बीच में बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब छठी अनुसूची में क्या वर्णित है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है, यानी छठी अनुसूची में संविधान की छठी सिक्स शेड्यूल में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी चार पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें जो जनजाति है उन जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए कैसे याद रखना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए छठी को आप सिक्स कह सकते हैं यानी छः, और छः कैसी संख्या, एक सम संख्या है, सम से आपको याद आएगा असम ठीक है, और असम, असम से आपको एक चीज़ याद आएगी असम यानी आसमान, आसमान एस
मैं आने, ठीक है। तो असम से आसमान की कुछ आपको फील आएगी, आसमान में क्या होते हैं मेघ, ठीक है। तो वैसे भी मैं असम में मैं जो है वो लास्ट में है, तो हम ऐसे याद रखेंगे असम आसमान, और आसमान में क्या होते हैं मेघ, यानी असम और मेघालय, ठीक है। असम मेघालय, असम से मेघालय याद आ जाएगा, और असम और मेघालय में दोनों में ही बहुत अच्छी बारिश होती है, और यानी एक जैसे गुण है दोनों में। तो असम और मेघालय जो है मित्र है, असम और मेघालय क्या है, मित्र है। तो मित्र से आपको दो राज्य मिल जाएंगे, मी से मिजोरम और त्रय से त्रिपुरा, ठीक है। तो असम कैसे आएगा ये आपको बताए, छठी यानी सिक्स, सिक्स से यानी सम संख्या, ठीक है। तो सम से असम, असम से आसमान, आसमान में मेघालय, ठीक है, यानी मेघ, यानी असम और मेघालय मित्र हैं, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, काफ़ी मात्रा में बारिश होती है, दोनों के अंदर गुण एक जैसे हैं, तो ये मित्र हुए, मित्र यानी मिजोरम और त्रिपुरा, यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, आप ऐसे। और भी तरीके हैं, जैसे छठी अनुसूची है तो आप ये याद रखिए कि छठी यानी छः से एक आगे, ठीक है, छः, ठीक है, छठी में छः है और ठ यानी आठ, छः और आठ के बीच में क्या रहा है, सात, ठीक है। तो सात यानी सेवन सिस्टर, यानी सात पूर्वोत्तर के राज्य, उनमें से अगर आप माइनस कर दो, क्या ऐसे राज्य जिनमें ळ और ड आता हो, आड़ा खाली कहते हैं इसे, ळ, ठीक है, और ड आता हो, ठीक है, तो मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल में भी ळ आता है, आड़े खाता है, और मणिपुर में भी आड़े आता है, ठीक है, और नागालैंड में ड आता है। तो अगर आप सात पूर्वोत्तर के राज्य में से माइनस कर दो ये तीन राज्य जिसमें ळ और ड आते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये छठी अनुसूची का कहीं ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, तो आपको उन राज्यों को नहीं सेलेक्ट करना है जिसमें आड़ा खाली हो, ळ हो और ये ड हो, और बाकी को छोड़ के जो चार राज्य बचेंगे, ठीक है, वो छठी अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा जब क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं लास्ट में क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवीं अनुसूची में क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पांचवीं अनुसूची, ठीक है, तो पांचवीं अनुसूची, देखिए अनुसूची जो है यहाँ पांच में आपको कैसे करना है, पांच करना है, ठीक है, पांचवीं यानी पांच करना है, यानी पांच अक्षर बनाने हैं किसमें, अनुसूची में, ठीक है, पांच। तो पांच कब बनेंगे, जब अनुसूची से तो एक ही शब्द याद आता है अनुसूचित, ठीक है, तो इसको हम पांचवा जो अक्षर बढ़ाएंगे वो तय बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची एक क्वेश्चन के रूप में आएगा, तो पांचवी अनुसूची को पांच बनाना है हमें, अनुसूचित के अनुसूची के जो अक्षर हैं उनको पांच बनाना है, तो ये हो गया अनुसूचित तय बनाएंगे, क्योंकि यही एक शब्द इससे बन रहा है, तो अनुसूचित से आ जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किसमें है, पांचवी अनुसूची में। तो जब भी आपको पांच दिखाई दे, यानी आपको पांच बनाने हैं, ठीक है, इस शब्द के अक्षर, और जो हम अक्षर जोड़ेंगे वो तय ही होगा, तभी ये, ठीक है, अर्थपूर्ण होगा अनुसूचित, ठीक है, और अनुसूचित से आपको याद आ जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख पांचवी अनुसूची में क्या गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में दे रखा है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी संविधान के फोर्थ शेड्यूल में चौथी अनुसूची में दे रखा है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब देखिए राज्यों और राज्य दो बार आया है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, चौथी यानी चार, और यहाँ दे रखा है दो, और दो से चार कब आएगा, तब दो का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। दो का स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक शब्द दो बार आया हो, जैसे राज्य और राज्य आया। अगर ऐसे भी आपको याद नहीं रहता है तो आप ये देखिए, चौथी अनुसूची यानी चार कैसे आएगा, जब दो में दो जुड़ेगा, चार कब आएगा, जब दो में दो जुड़ेगा, और दो कैसे जुड़ रहा है, दो देखिए राज्यों का जो पहला अक्षर रह है ये दो जैसा लग रहा है, और इस वाले राज्य का भी जो पहला अक्षर क्या है वो रह है, जो कि दो जैसा लग रहा है, तो ये चार बराबर दो प्लस दो, यानी राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये इस तरह से फिलहाल, यानी चौथी से आएगा चार, और चार को यानी दो प्लस दो, और दो यानी रहनी राज्य, ऑप्शन में देख के आप ये लॉजिक लगा पाओगे, यानी और ये ऐसा नहीं है कि, ठीक है, बिना ऑप्शन देख के, ठीक है, आप जब है ना ऑप्शंस देखोगे तो ये जो ट्रिक है ये आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करेगी, बशर्ते आपने पहले ये एक दो बार इस तरीके से प्रैक्टिस करके देख लिए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तो फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची में दे रखा है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, ठीक है, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, तो हम वर्ड पकड़ेंगे शपथ, ठीक है, और यहाँ तीसरी पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐसे भी समझाया है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि तीसरी में जो तय है, ठीक है, तीसरी का जो तय है, ठीक है, उसको मैं अगर घुमा दूँ तो ये पै बनेगा, ठीक है, और इस तीसरी में ही एक शय है, ठीक है, तो इस शय को मैं आगे लिख दूँ, ठीक है, तो सै पै, ठीक है, सै पै से क्या आएगा, शपथ, ठीक है, ऑप्शन आप में आपको शपथ दिखाई देगा। आप ऐसे यहाँ भी ढूंढ सकते हैं, तीसरी में सै आप पहले पढ़ोगे और तय को पै पढ़ोगे, तो सै पै और शपथ, यानी आपको याद आएगा कि पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख जो है, ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा शपथ, यानी पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में, क्वेश्चन ये बन के आएगा, तो शपथ को आप पकड़िए, ठीक है, थे से पहले क्या आता है तय, और तय को उल्टा करोगे आप पै,
ठीक है, और उल्टा करोगे तो वो तो इसके लिए है, लेकिन थे से पहले क्या आएगा, और तय का मतलब तीसरी होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोरिलेट कर पाओगे, आपके दिमाग में क्लिक जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, दूसरी अनुसूची में दे रखा है वेतन भत्तों का उल्लेख, और किसके वेतन भत्ते, पदाधिकारियों के, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, इस तरीके से महान्यायवादी, तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों का उल्लेख वो दूसरी अनुसूची में है। दूसरी से आपको याद आएगा सैलरी, ठीक है, ठीक है, दू से यानी दो, और सरी यानी सैलरी, ठीक है, दो सरी, दो सैलरी, दो सरी यानी दो सैलरी, दो सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, यानी सैलरी दो यानी वेतन दो, वेतन भत्तों के बारे में जिक्र है, ये आपके दिमाग में ऐसे क्लिक कर जाएगा। चाहे तो आप उल्टा भी सोच सकते हो, वेतन यानी सैलरी, सैलरी सैलरी घटा दो, सरी यानी दूसरी, ठीक है, आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखते हैं लास्ट, और जो पहली है ये तो इसके लिए तो ट्रिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संविधान की जो 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची होगी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, तो भारतवर्ष का शासन चलाने के लिए आपको पता है कि देश को आपको राज्यों में बांटना पड़ेगा, और राज्यों के बाद, ठीक है, कुछ जो छोटे राज्य हो उन्हें राज्य नहीं बना सकते, केंद्र शासित प्रदेश उन्हें हमें बना दिया गया है। यानी सबसे पहले अगर आप बात करोगे संविधान की, जो कि भारत के लिए है, और तो भारतवर्ष को अगर हैंडल करना है आपको, उसका शासन प्रशासन चलाना है, तो उसको छोटे छोटे, ठीक है, हमें हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जिससे कि सफल शासन चलाया जा सके, ठीक है, आसानी तरीके से हैंडल किया जा सके चीज़ों को। तो हमने राज्य और केंद्र शासित में बांटे, तो पहली अनुसूची में तो जो है संविधान की पहली अनुसूची में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भैया पहली अनुसूची में तो यही काम आएगा कि राज्यों और केंद्र शासित में विभक्त कर दो भारत को, जिससे कि शासन प्रणाली, ठीक है, वो शीघ्र हो सके, तेज हो सके और अच्छी तरीके से हैंडल हो सके। तो पहली अनुसूची के लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने 1 से लेकर 12 तक की सारी अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया है, ट्रिक से पढ़ा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, कितनी जल्दी आप इसको देखते हो। तो फिर देखिए क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। तो जैसे ही आपके सामने आएगा दल बदल, तो दल से आपको आ जाएगा यार 10, ले को हटाएंगे से लाएंगे 10, यानी 10वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। जरा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन का पहला आंसर हुआ, पहले क्वेश्चन का पहला आंसर होगा, जो कि आपने बड़े आसानी से कर लिया होगा। अब देखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में वर्णित है, ये आपको कैसे याद आएगा। 22 भाषाओं, भाषा यानी हम भाषा क्या करते हैं, बोलते हैं, बोलते किससे हैं, होठों से, होठों यानी होठों से, यानी आठ, होठ आठ, ओठ, ठीक है, आठ यानी 8वीं अनुसूची, ये आपको आ जाएगा इस तरीके से। फ्रेंड्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और जो आपको मदद करेंगे इन ट्रिक्स को आसानी से समझने में। संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा वर्णित है, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बनाए हैं। तो संविधान की किस, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित, तो 7वीं यानी 7 आपको याद आएगा, 7 में एस फॉर स्टेट और एन फॉर नेशन, यानी राज्य और केंद्र के बीच में मुद्दों का यानी शक्तियों का बंटवारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है। तो राज्यों का राज्यसभा में, ठीक है, राज्य आया फिर राज्य आया यानी दो बार आया, और राज्य का रहे और राज्य का रहे यानी 2+2 यानी 4 यानी 4थी अनुसूची में वर्णित आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा वर्णित है। 12वीं अनुसूची में, तो 12वीं कहां से करेंगे, बाहर से, बाहर यानी शहर से, यानी शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख, ऑप्शन नंबर बी तुरंत क्लिक करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में। शपथ, शपथ, पैथ, पथ, पैथ, पथ यानी तय भी आ जाएगा, तय यानी तीसरी, पथ में तय भी आप प्रोनाउंस करोगे, तय से पहले तय आता है या पैक उल्टा हो, तय से यानी तीसरी, तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो अगर ये ट्रिक्स आपके दिमाग में हैं। तो फ्रेंड्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ट्रिक्स, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस हमारे साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।